नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जुबल मिश्रा। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर एडीएम कोर्ट ने 3 मशहूर ब्रांडेड कंपनियों समेत 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर उनकी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में टाटा कंपनी की चाय, कैडबरी इंडिया का बॉर्नविटा और अमूल कंपनी का घी शामिल है। ये सैंपल पिछले साल 2021 में जसपुर, खटीमा और काशीपुर से लिए गए थे, जिसमें रुद्रपुर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। एडीएम कोर्ट ने कंपनी को सख्त चेतावनी के साथ जुर्माने की रकम जमा करने का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले साल 2021 में लिए गए सैंपल में 3 ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद सहित 5 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल मिले हैं। इसके बाद एडीएम कोर्ट द्वारा सभी पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के एवज में जुर्माना लगाते हुए इन सभी कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि पिछले साल खटीमा से टाटा चाय, जसपुर से बॉर्नविटा, काशीपुर से अमूल घी, सितारगंज की डेयरी से पनीर और काशीपुर से दूध का सैंपल लिया गया था। इन सभी के सैंपल की जब जांच हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी सैंपल फेल हो गए। बाद में इस मामले की सुनवाई एडीएम कोर्ट में हुई। एडीएम कोर्ट ने चाय का नमूना फेल होने पर दुकानदार पर 5,000 रुपये, उसकी एजेंसी पर 20,000 रुपये और कंपनी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना टाटा कंपनी पर लगा है। वहीं बॉर्नविटा का सैंपल फेल होने पर कैडबरी इंडिया पर 2,00,000 और घी का सैंपल फेल होने पर अमूल कंपनी पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पनीर का सैंपल फेल होने पर डेयरी संचालक पर 13,000 और दूध का सैंपल फेल होने पर दूध बेचने वाले पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जानकारी करने पर पता चला कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस साल भी, यानी 2022 में भी, जनवरी से मार्च महीने के बीच अभियान चलाया था, जिसमें टीम ने 80 सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब भेजे थे। इससे 50 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 16 सैंपल फेल पाए गए हैं। अब विभाग इनके खिलाफ कोर्ट में बात दायर करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जुर्माने की ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस खबर ने हम सभी को चौंका दिया गया है कि अक्सर जिन खाद्य पदार्थों को हम ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी समझकर इस्तेमाल करने के लिए अपने घर लाते हैं, वही खाद्य पदार्थ उन कंपनियों की तरफ से वो सैंपल में फेल पाए गए हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।